गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी चैप्टर नंबर 4 इन योर सिविक्स बुक एंड द चैप्टर नेम इज की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में जाना था। अब थोड़ा सा हम वहां गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं इस चैप्टर में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं। अच्छा लगता है ना स्टोरी सुनना, स्टोरी के थ्रू कुछ जानना हो तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये स्टोरी सुना रही हूं मैं आपको एक गर्ल की जो कि साउथ अफ्रीका में रहती है, उसका नाम था माया नायडू। ओके, माया नायडू एक गर्ल थी, 11 इयर्स ओल्ड थी और साउथ अफ्रीका में रहती थी। देन वो एक दिन अपनी मदर के साथ, जैसे हम सफाई नहीं करते वैसे स्टोर रूम की कुछ सफाई कर रही थी। देन उसे कुछ बुक्स फाउंड हुई, उसमें एक लड़के की पिक्चर्स थी जो कि स्कूल गोइंग लड़का था, अबाउट 13 and 14 ईयर्स ओल्ड था। तो उसने उसकी मम्मी से पूछा कि ये लड़का कौन है। वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग्स में उस लड़के की पिक्चर्स थी। देन उसे क्यूरियोसिटी हुई कि न्यूज़पेपर में आया हुआ है ये लड़का, क्या इशू रहा है इसका। तो हम जानने के हिसाब से नहीं पूछते, वैसे ही उसने मदर से पूछा कि ये लड़का कौन है और इसकी कटिंग्स किस तरह से है, क्या इशू हुआ था। तो उसकी मदर बोलती हैं कि ये पीटरसन है, उस लड़के का नाम पीटरसन है और जो पुलिस है वहां की उसने इन्हें गोली मार दी थी बहुत साल पहले। ठीक है, देन वो उसके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। देन उनकी मदर बताती है कि जो साउथ अफ्रीका में पहले जो लोग रहते थे उनके लिए अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। मीन्स साउथ अफ्रीका में दो तरह के मेनली लोग रहते हैं, एक काले एक गोरे। काले मीन्स ब्लैक और वाइट गोरे। ठीक है, जो वाइट पीपल थे, गोरे लोग थे, उनका एक स्टैंडर्ड एक लेवल अलग था और जो काले लोग थे गोरे है ना, उनका एक लेवल बिलो था और जो इंडिया से आए हुए हैं उनका लेवल बिलो था। मीन्स ओनली वहां पर व्हाइट पीपल जो थे उनको एक अच्छा समझा जाता था, उनका एक स्टैंडर्ड हुआ करता था और बाकी जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं उस कंट्री में उनको बिलो स्टैंडर्ड का समझा जाता था, उनके साथ सेम ट्रीट नहीं किया जाता था। है ना, क्लियर हो रहा है स्टोरी में। मीन्स उसकी जो माया नायडू थी उसे अगेन क्यूरियोसिटी हुई कि क्या एक स्किन के टोन के अकॉर्डिंग भी किसी के साथ भेदभाव किया जाता है क्या, कि स्किन का टोन अगर गोरा है तो वो अच्छा होगा, स्किन का टोन अगर काला है या सांवला हो तो वो उसके साथ बिल्कुल अलग भी है होगा। तो उसकी मदर आगे बताती है कि बिल्कुल हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में इस तरह का भेदभाव लोगों के साथ किया जाता था। इवन जो काले लोग हैं उनके लिए बस और ट्रेन अलग होती थी, जो गोरे लोग हैं उनकी बस और ट्रेन अलग होती थी, हॉस्पिटल भी सेपरेट होते थे। गोरे लोगों का हॉस्पिटल बिल्कुल अलग रहता था, उनकी एम्बुलेंस रहती थी उसमें पूरी फैसिलिटी होती थी, वहीं काले लोगों का हॉस्पिटल बिल्कुल अलग था, उनमें फैसिलिटी कम होती थी कंपेरेटिव, एंड इवन एम्बुलेंस भी जो थी उनमें भी वो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इवन बस स्टॉप तक भी अलग अलग था अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, इतना उन्होंने उस कल्चर के बारे में बताया कि इस तरह से गोरे और काले में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। क्लियर, देन उसकी मदर से वो आगे पूछती है देन व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या हुआ था, ये तो समझ में आ गया। तो फिर उसकी मदर उन्हें आगे बताती है कि जो गोरे लोग हैं जहां रहते थे वहां काले लोग नहीं रहते थे। देन जहां पर पीटरसन रहता था वहां जो गोरे लोगों की लैंग्वेज थी वो अफ्रीकन थी, तो वो चाहते थे कि जो पीटरसन हैं और उनके समान जो लोग हैं वो भी अफ्रीकन ही सीखें, जबकि जो पीटरसन था वो चाहता था कि उनकी एक जो अदर लैंग्वेज है वो सीख ले। देन इस बात पर क्या हो गया, झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जब इस पे झगड़ा बढ़ गया, पुलिस आई तो पुलिस ने फायरिंग की और उसमें क्या हुआ, पीटरसन को गोली लग गई और पीटरसन की मौत हो गई। तो सिर्फ एक इश्यू देखा है हमने कि किस तरह से लोगों में एक स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी भेदभाव किया जाता था, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। तो ऐसा बहुत सारी कंट्री में अलग अलग रूप में भेदभाव होता है गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी। उसके बाद उन्होंने, मदर ने बताया कि नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने इस चीज के लिए काफी आंदोलन किए और बाद में उन आंदोलन को सक्सेस मिली और गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि कोई भी किसी भी बॉडी टोन का हो
उसके बॉडी टोन का कलर कोई भी हो, उनके सबके साथ सेम बिहेव किया जाएगा, सेम राइट्स सबके रहेंगे, तब से वहां पर दोनों के इक्वल राइट्स मिलने लगे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे ही गवर्नमेंट के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं कि गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ता है वहां के लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम इस लेसन में थोड़ा सा यही पढ़ेंगे कि क्या क्या है गवर्नमेंट के रूल। ठीक है, सबसे पहले तो पार्टिसिपेशन। अब हम हमारे इंडिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका घूम लिया हमने, ठीक है, वहां का पास्ट भी देख लिया, अब कहाँ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट तो बन गई हमारी, है ना। देन हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, क्या आप और मैं पार्टिसिपेट करते हैं, आपके मदर फादर गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, वोटिंग के थ्रू हम पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, बिल्कुल करते हैं ना। हम 5 साल में, हमारे इंडिया में क्या होता है, 5 साल में चुनाव होते हैं। इलेक्शन कितने ईयर में होते हैं, 5 ईयर में एक बार, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। उस वक्त हमें हमारा पता चलता हमारा पावर क्या है, क्यों, क्योंकि अगर सारे लोग, अगर सपोज पीएम अभी मोदी हैं, देन अगर उनसे खुश नहीं है, उन्होंने जो नीतियां निकाली हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनने जो रूल्स बनाए हैं, उनसे खुश नहीं है, तो क्या वो उन्हें वोट देंगे 5 साल बाद, नहीं देंगे, है ना, वो अपना एक अलग नेता चुनेंगे। क्लियर? हमारे यहाँ पर अभी इतने सालों से कांग्रेस गवर्नमेंट थी, देन लोगों को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो उन्होंने चेंज करके बीजेपी लिया है, देन बीजेपी भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम 5 साल बाद उस गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये पावर हमारे पास है, और वो पावर हमें एहसास कब होता है, जब हम वोट करने जाते हैं, जब इलेक्शन होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, है ना, क्लियर है। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, अदर वे टू पार्टिसिपेटिंग, क्या इस पार्टिसिपेंट के, मतलब हमने 5 साल में गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके बीच में क्या 5 साल के बीच में गवर्नमेंट कुछ भी बना रही है, कोई भी पॉलिसी कर ला रही है, कोई भी लॉ ला रही है, तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या हमें फॉलो करने होंगे। अदर क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, सबसे पहले तो हमने हाँ 5 साल में एक बार पार्टिसिपेट करते हैं हम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या 5 साल में एक ही बार करेंगे या कुछ और के थ्रू भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वही इस टॉपिक में जानेंगे कि अगर एक एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, वही बताती हूँ कि बीच में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हाई कर दिए थे, ठीक है। अब वो प्राइस हाई कर दिए थे मींस कि गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया था कि पर यूनिट आपको इतना देना रहेगा, और वो काफी हाई चार्ज कर रही थी गवर्नमेंट। देन लोगों ने क्या किया, रैलीज की, है ना, सिग्नेचर कैंपेन किए, और गवर्नमेंट को सोचने पे मजबूर किया कि जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो वो है, उन्होंने चार्ज हाई किया है, वो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, देन उसे चेंज करो। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा, लेकिन लोगों ने अपना व्यू वैसा ही रखा, लोगों ने अपना कैंपेन आगे बढ़ाया, बहुत ज्यादा रैलियां हुई, अगेन वही सारे आंदोलन करने पड़े, थोड़ा सा फोर्स किया गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को क्या हुआ, वो वापस से रूल वापस लेना पड़ा कि नहीं, पहले एज इट इज जो थी, पर यूनिट इतने पैसे लेंगे, उतना ही उसको रखा गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने 5 साल का, हम लोगों ने 5 साल का वेट नहीं किया। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर कुछ ऐसी लगती है लोगों को कि ये चेंज होनी चाहिए, तो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी आप सबने जाना किसके थ्रू गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं है। हम रैलीज कर सकते हैं ना, कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन कैसे होता है कि जो भी है, कई बार चौराहे पे आप ये सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, बस ये है कि जब भी आप इस तरह की एक्टिविटीज को देखें, हमारे सिलेबस से उन्हें कनेक्ट करते जाएं, समझते जाएं। एक बड़ा सा पंपलेट लगा रहता है वहां, जो भी लोग गुजरते हैं उनसे बोला जाता है कि हम इस चीज के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं, आप आके साइन कर रहे हैं, अगर इससे आप सहमत हो तो, आपको लगता है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है तो इस पे साइन करके जाएं। तो सिग्नेचर कैंपेन से भी गवर्नमेंट को फोर्स होता है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि इतने सारे लोग हमारे रूल्स से या हमारी जो पॉलिसीज हैं उससे डिसएग्री हैं। देन गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये रूल या लॉ सही है या इसे चेंज करना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं हमारा सहमति या असहमति, कोई सा भी अगर पॉलिसी आती है तो उससे हम कितने एग्री हैं, कितने डिसएग्री हैं, इसके थ्रू हम बता सकते हैं। क्लियर?
तो गवर्नमेंट में हमारा पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेशन कैसे होता है, एक तो वोटिंग के थ्रू हम करते हैं, अपनी पावर शो करते हैं, इसके अलावा भी जितने भी ये सारी रैली हुई, सिग्नेचर कैंपेन हुए, जुलूस हुए, है ना, ये इन सब के थ्रू भी हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन दिखाते हैं कि हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं किसी भी चीज को बदलने के लिए या उससे सहमत होने के लिए भी। क्लियर? तो ये तो दो चीज मैंने आपको बताई कि किस तरह से हम गवर्नमेंट में हेल्प गवर्नमेंट में साथ में रहते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें दो तरह से, अगर गवर्नमेंट भी, जैसे कई बार कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हो जाते हैं, है ना, तो मेनली क्या झगड़े होते हैं जो कि गवर्नमेंट को सॉल्व करने पड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट तो कल्चर, है ना, हमारे यहाँ बहुत अलग अलग कल्चर है, तो कल्चर का झगड़ा हमेशा रहता है। रिलीजन, धर्म का झगड़ा रहता है, या रीजन, क्षेत्र का झगड़ा रहता है। मेनली इस तीन तरह के झगड़े गवर्नमेंट के सामने फेस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जो कि उन्हें सॉल्व करने पड़ते हैं। आज तो नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले इस तरह से होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का जुलूस निकल रहा है ना, तो दूसरे कम्युनिटी वाले नाराज हो जाते थे, उन पर पत्थर फेंकने लगते थे, फिर उस कम्युनिटी का जब भी जुलूस निकलेगा तो जिस पर पहले पत्थर फेंके गए थे, तो वो अगेन इस तरह का वो करते थे। तो गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह से कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, जैसे हिंदू मुस्लिम झगड़ा हमारे यहाँ मेनली सभी जानते हैं कि इस तरह के झगड़े हमारे यहाँ मिलते हैं, है ना, कि हिंदू मुस्लिम में एकता, यूनिटी बनाए रखना गवर्नमेंट के लिए एक टफ जॉब है कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में रहे, या इतने सारे जो कम्युनिटी हैं अलग अलग वो सब मिलजुल के रहें। तो कई बार इस तरह के झगड़े सामने आए हैं गवर्नमेंट के कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जुलूस निकाल रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये सुलझाना पड़ता है या तो बातचीत के थ्रू या पुलिस फोर्स के थ्रू, कि अगर जुलूस निकाल रहे हैं तो पुलिस क्या करती है, उनके साथ साथ चलती है ताकि वो जुलूस अच्छे से निकल जाए। सेकेंडली, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इस तरह का भाषण दे रहा है जिससे दूसरे की भावनाओं को वो ठेस पहुंच सकती है, तो गवर्नमेंट वहां पर भी बैन लगाती है, वहां पर भी सपोर्ट करती है कि इस तरह की कोई बातचीत ना हो, है ना। और मेनली पुलिस का इसमें रोल रहता है कि इस तरह के झगड़े पुलिस कैसे समझाती है। तो ये तो हमारा इसका क्षेत्र से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, कल्चर और इससे रिलेटेड झगड़ा था। सेकंड बात करते हैं हम, आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो स्टेट के बीच में भी झगड़े होते हैं। अभी तक तो हमने स्टेट को पर्टिकुलर यही पढ़ा है कि हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, सब अपना अपना काम करती हैं, लेकिन सोचिए सिर्फ कल्चर, कोई धर्म, कोई रीजन, क्षेत्र के ही झगड़े नहीं होते, दो स्टेट के बीच में भी झगड़े होते हैं, है ना। तो इसमें हम ये जानते हैं कि दो स्टेट के बीच में किस तरह के झगड़े होते हैं। इसमें क्या है, जो कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी है वो दो स्टेट में बहती है। फर्स्ट है स्टेट कर्नाटका, सेकेंड स्टेट है तमिलनाडु। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा है। झगड़ा कैसा है कि कर्नाटका में कावेरी नदी पर कृष्ण सागर डैम बना हुआ है, सुनना भी, है ना, कर्नाटक में कृष्ण सागर डैम बना हुआ है कावेरी नदी पर, और इसके थ्रू क्या होता है, पूरे बेंगलोर में और आसपास के एरिया में वाटर सप्लाई होता है। ठीक है, पूरे बेंगलोर जो पानी पीता है वो कृष्ण सागर डैम में जब पानी रहता है उसी के थ्रू मिलता है, आसपास इरिग्रेशन वगैरह में भी इसके कारण हेल्प मिलती है। ठीक है, तो डिपेंड, कर्नाटका डिपेंड किस पर है, कावेरी नदी के कृष्ण सागर डैम पर डिपेंड करता है पानी के लिए। वहीं तमिलनाडु में सेम रिवर है, वो भी वही तमिलनाडु में, से कर्नाटक से बह के कहां तक आ रही है, तमिलनाडु तक जा रही है। तो तमिलनाडु पर मैथुर डैम बना है। ठीक है, अब डैम बना है तो वहां पर भी वाटर सप्लाई के लिए हेल्प होता है, और तमिलनाडु भी डिपेंड है डैम पर कि डैम में पानी रहेगा तो वो अपने स्टेट में वाटर सप्लाई, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, या हमारी जो सिटीज में वाटर सप्लाई हो उसके लिए हो, तो डिपेंड रहता है। तो दोनों, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों डिपेंड है इन दोनों डैम पर। तो वॉट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि कृष्ण सागर डैम पहले आता है, देन मुथुर डैम आता है। मीन्स कृष्ण सागर डैम से जब पानी छोड़ा जाएगा तब मुथुर डैम में पानी भरेगा। रिवर तो एक ही है, आपने कहीं बैरिकेड लगा के, डैम लगा के उसका पानी रोक दिया, तो वो आगे फ्लो होगा क्या, नहीं होगा ना, वो एक जगह आपने डैम में रोक लिया पानी, तो आगे वाली रिवर में इतना पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो जब आप कृष्ण सागर डैम से पानी छोड़ोगे तो मुथुर डैम भरेगा, तो फिर तमिलनाडु को पानी मिलेगा। तो इस रीजन को लेकर दोनों स्टेट में काफी तनाव था। बाद में नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इस प्रॉब्लम को
16 आउट करना पड़ा। क्लियर। तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट कहाँ हेल्प करती है हमारी, कि स्टेट के बीच में भी कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते हैं, या फिर हमारे जो लोग हैं उनके कल्चर में, उनके धर्म को लेकर, उनके क्षेत्र को लेकर तो झगड़े होते ही रहते हैं, उन सब में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। क्लियर। देन लास्ट टॉपिक आते हैं हमारा, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है आपका इक्वलिटी एंड जस्टिस। हाँ, ये सोच सकते हो मैम आप जहां भी पढ़ाते हो, सिविक्स में जब भी पढ़ाते हो, इक्वलिटी तो आ ही जाता है, डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी तो ये आपके लेसन में, आपके सिलेबस में हमेशा रहेगा। टॉपिक कोई सा भी हो, इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे, फेस करने को मिलेंगे। ठीक है। तो इक्वलिटी गवर्नमेंट का पहला काम है कि लोगों के बीच में इक्वलिटी लाना। ठीक है। अब गवर्नमेंट वापस से बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इक्वलिटी। बहुत सारे हमारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो इक्वल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैंने पहले भी पढ़ाया है कि वो एक दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, देन उन्होंने इक्वलिटी के लिए काफी संघर्ष किया है हमारे देश में, है ना। तो बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जो कि आज भी इक्वल नहीं समझी जाती, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो होती है उसे बैन कर दिया गया है। कोई भी एक कास्ट दूसरे कास्ट को किसी भी रूप में इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर कोई छुआछूत को फॉलो कर रहा होगा कि इस कास्ट पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को नहीं छुआ जाए या उनके साथ गलत बिहेव किया जाए, तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए हैं और उसके हिसाब से उन्हें पनिश भी किया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो कास्टिज्म वाइज इक्वलिटी लाने की कोशिश की। अब दूसरा क्या है, आप मैम हमेशा कास्टिज्म पे आ जाते हो, दलित समुदाय का अधिक एग्जाम्पल दे देते हो। दूसरी अनइक्वलिटी देखनी पड़ती है मेल और फीमेल जेंडर में, है ना। लड़कियों को फीमेल को क्या समझा जाता है, कमतर आका जाता है, उनकी वैल्यू कम होती है कंपेरेटिव मेल, है ना। लड़कों के तुलना में लड़कियों की वैल्यू कम दी जाती है, ये भी अनइक्वलिटी है ना। तो गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है कि लड़कियों के लिए उन्होंने एजुकेशन फ्री कर दी है, लड़कियां होती हैं तो बेटी बचाओ आंदोलन जो अभी गवर्नमेंट चला रही है, इस तरह के आंदोलन चलाती है। इसके अलावा भी जैसे अगर किसी को दो लड़कियां हो गई तो गवर्नमेंट कई बार उन्हें पुरस्कार देती है, इस तरह से मोटिवेट कर रही है गवर्नमेंट लोगों को कि वो क्या करे, लड़के और लड़की में भेदभाव करना बंद कर दे। लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने हर जगह सीट रिजर्व कर दी है कि इतने परसेंट सीट सिर्फ वुमेन के द्वारा ही फिल की जाएगी, वहां पर लड़कियों को ही रखा जाएगा। तो ये सब चीज किस लिए है कि ताकि लड़के और लड़कियों में क्या आ जाए, इक्वलिटी आ जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिसके थ्रू वो क्या ला सके, इक्वलिटी ला सके और सभी के साथ जस्टिस कर सके, चाहे वो कास्टिज्म वाइज हो, रिच और पुअर का हो, या मेल और फीमेल का हो, हर लेवल पे गवर्नमेंट अपना काम बखूबी निभाती है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ा है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है और गवर्नमेंट के सामने क्या क्या है और हमारे लोगों का पावर क्या है और लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।